फोर सेशन हमारे पास आउटलुक ऑनलाइन का, ठीक है। आउटलुक ऑनलाइन बहुत सारे किस्म के हैं, एक आउटलुक ऑनलाइन आप ऑनलाइन इस्तेमाल करें, ये जो आप इस्तेमाल करें आउटलुक ऑनलाइन है, क्या है आउटलुक ऑनलाइन, एक आउटलाइन आउटलुक ऑनलाइन डेस्कटॉप वर्जन होता है। आउटलुक के बारे में जो नए यूजर्स हैं, आउटलुक जो है क्यों इस्तेमाल किया जाए, आउटलुक जो है बेसिकली ईमेल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। सिर्फ आप ईमेल नहीं कर सकते, आप उसके ऊपर मल्टीपल ईमेल अकाउंट कॉन्फ़िगर करवाना चाहें वो करवा सकते हैं, जैसे कि डोमेन आपकी कंपनी का अपना डोमेन नेम है, जैसे shafiq@alshafiq.org, ये मेरा अपना कस्टम डोमेन नेम है, आप वो इस्तेमाल कॉन्फ़िगर करना चाहें, मल्टीपल अकाउंट को एक जगह पे कॉन्फ़िगर करना चाहें, तो ये आप क्या कहाँ पे काम कर रहे होते हैं, आउटलुक पे काम करो। इसी हवाले से टास्क शेड्यूल मीटिंग्स अपॉइंटमेंट्स ये सारा काम जो होता है ये आउटलुक पे कर रहे होते हैं, ये आउटलुक के डेस्कटॉप वर्जन पे कर रहे होते हैं। हमें बेसिकली काम जो है ना ऑनलाइन पे काम करना है, बस सिंपली ईमेल बना के हमें यूजर्स और ग्रुप्स पे काम करना होता है, ठीक है। लेकिन इसकी पूरी ट्रेनिंग होती है, अगर आप मॉस का आउटलुक भी होता है पूरा, इतना बड़ा आउटलुक के ट्रेनिंग्स वगैरह, तो वी विल गो डी ड्राइव इन आउटलुक ऑनलाइन। थोड़ी देखिए, वैसे मैं आपको दिखा भी देता हूं आउटलुक ऑनलाइन आउटलुक डेस्कटॉप वर्जन। ये आउटलुक ऑनलाइन वर्जन है, ठीक है। एंड सेकेंडली आई एम ओपनिंग माई ऑफिस 365 आउटलुक डेस्कटॉप अकाउंट। दोनों को पहले हम थोड़ा कंपेयर करके देख लेते हैं, हमें काम आउटलुक ऑनलाइन पे काम करना है। लेकिन अगर आप यह फिलहाल कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट या बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर काम करें या कंपनियां जो भी काम कर रही होती हैं, वो तमाम काम जो अपने डोमेन ओन करती हैं उनका अपनी कंपनी का नाम है, वो आउटलुक इस्तेमाल कर रही होती है। क्योंकि देखें ना, एक इथिक हो जाती है आके पास के, फॉर एग्जांपल एक रिलायबिलिटी ट्रस्ट बन जाता है कि अगर मैं एक ईमेल कर रहा हूँ कि मैं अल शफी कंपनी का ऑनर हूँ और मैं कर रहा हूँ कि shafiq@gmail.com, तो ये एक नॉर्मल अकाउंट है। देखिए, मैं shafiq@alshafiq.org कर रहा हूँ तो ये मैं कंपनी, मेरा अपना डोमेन नेम है, तो इसकी ट्रस्ट रिलायबिलिटी जो होती है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। और मैं मार्केटिंग एप इस्तेमाल करूँगा, मैंने कहा sales@alshafiq.org, तो आप सब किसी को पता होगा, हाँ भाई कैंपेन है, कोई ऐसे लोग नहीं स्पैम वाले कि बस ईमेल ही फेंक रहे हैं, एक कंपनी है जो कि चला रही है, जिसकी मर्जी सब्सक्राइब करवाना चाहे या नहीं करवाना चाहे। तो ये हमारे पास जो है, अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक डेस्कटॉप वर्जन है, किसका, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का, जिसके अंदर मैंने अपना एक ईमेल कॉन्फ़िगर करी है। और ईमेल के अंदर हमारे पास देखिएगा मुख्तलिफ किस्म के टैब्स आ रहे हैं, जिसके अंदर हमारा ईमेलिंग का आ रहा है, कॉन्टेक्स्ट कैलेंडर्स का आ रहा है, हमारे पास टास्क टूडोडिल, जो भी हमें टास्क मैनेजमेंट करनी है, टास्क को ट्रैक करना है, लोगों के ऐड करने हैं, एड्रेस बुक बनानी है मुझे यहाँ पे एड्रेस बुक भी बना सकता हूँ आउटलुक के अंदर, मैं एड्रेस बुक भी बना सकता हूँ कि मैंने एरियस की एड्रेस बुक बना ली, तमाम स्टूडेंट्स को ऐड कर लिया, मैं एक ईमेल करूँगा सबको चला आएगा। तो ईमेल मैनेजमेंट, ई मार्केटिंग के लिए मैं इस्तेमाल बहुत कर रहा होता हूँ उसको, अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग करना चाहता हूँ, कॉन्टेक्ट ऐड करना चाहता हूँ, मुझे बस शेड्यूलिंग करनी है, मीटिंग शेड्यूल करना होता है, तमाम काम करता हूँ। लेकिन नॉर्मल काम जो होता है वो ईमेल कर रहे होते हैं, जैसे आप ये डेस्कटॉप पे काम कर रहे होते हैं तो इसमें जो ईमेल बना रहे होते हैं और जो नॉर्मल ईमेल अकाउंट होता है उसमें फ़र्क है, इसमें चीज़ें एम्बेड होती हैं। क्या होती है, एम्बेड होती हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ईमेल बना रहे हैं तो यहाँ पे तमाम चीज़ें वर्ड वाले फीचर्स हैं, देख रहे हैं, होम इंसर्ट वाले, तो वर्ड पे जो काम करके आता है उसको बड़ी आसानी होती है। और एक और चीज़ मुझे जो बहुत अच्छी लगती है इसके अंदर, पिक्चर के अंदर आप आए, आप क्लिक करें तो तस्वीर एम्बेड होके जाएगी, इसका पार्ट बन गया, क्लिंक बन के नहीं आएगी, अटैचमेंट करके, जो नॉर्मल लोग ईमेल करते हैं वो अटैचमेंट करके भेजते हैं, लिंक के तौर पे भेजे होते हैं कि अटैचमेंट सेफ्टी में इनका साइन जो बना हुआ आता है, जो कि हम करके देंगे। तो हमें फिलहाल इस पर काम नहीं करना है, ये आपको मैंने दिखाया था कि डेस्कटॉप वर्जन क्या होता है, आप मल्टीपल अकाउंट को एक ही साथ कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और देख सकते हैं मल्टीपल अकाउंट को एक साथ। तो हम आ जाते हैं यहाँ पे, कहाँ पे, ऑफिस 65 के ऊपर, ये मेरा ऑनलाइन वर्जन है।
ये लास्ट ईमेल आई में काम किया था मैंने, जो भी चीजें आ रही है वो यहां पर आ रही है ठीक है। जो इस अकाउंट में जो मेरा टेनेंट अकाउंट है 365 का E5 वर्जन का, और जो मैं आईडी इस्तेमाल कर रहा हूँ शफीक वाली आईडी, ये उसके ऊपर जो ईमेलें हुई हैं सारी चीज़ें हुई हैं वो नोटिफिकेशन वो यहाँ पे आ रहा है। मुझे बेसिकली यहाँ पे जो इनबॉक्स में आई में, आपको पता है कि जस्ट जस्ट लाइक जो बिल्कुल नए यूजर्स हैं वैसे तो सब लोगों को पता होता है, लेकिन सारे लोग मोबाइल से फेमिलियर हैं कि आपके पास कोई मैसेज आ रहा है तो इनबॉक्स के अंदर आ रहा है ठीक है। आपके पास आप कोई मैसेज भेज रहे तो वो सेंड में आ रहा है, ड्राफ्ट में मैसेज सेव हो जाता है आपके पास जो होता है, आउटबॉक्स में मैसेज पड़े हुए होते हैं, ये नॉर्मल चीज़ें जो आप मोबाइल में देख रहे होते हैं वो चीज़ें यहाँ पे भी आ रही होती हैं। तो मुझे शॉर्टली इसके ऊपर काम करना है। अगर मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ तो मेरे पास ईमेल कंपोज कर रहा हूँ ठीक है। आई एम क्रिएटिंग अ न्यू मैसेज, न्यू ईमेल मैसेज कर रहा हूँ। किसी ने नॉर्मल ईमेल जो हर कोई इस्तेमाल कर रहा होता है, लेकिन अगर आप में से कोई बिल्कुल ही बिगिनर है तो वो ज़रा गौर से देखिएगा, उसमें कोई मसला नहीं है। यहाँ पे ईमेल करने का मुझे फायदा ये है कि मैं जो अकाउंट इस्तेमाल कर रहा हूँ कौन सा इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये वाला ठीक है, टेन अकाउंट माइक्रोसॉफ्ट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। और अब मैं किसी को भी ईमेल करना चाह रहा हूँ ठीक है, तो ये टू के अंदर ईमेल आ रहे हैं आपके, मैंने क्लिक करा, मैं टाइप भी कर सकता हूँ, लेकिन जो यूजर आ रहा है या मैं से ठीक है, अब ये नीचे आ गया, मैंने टाइप करा नाम आ गया, तो मोहम्मद तला और विनीत इमाम को जो है ना ईमेल जाएगी, क्लियर है, इनको ईमेल जाएगी। अगर सीसी में इसकी कावन कॉपी, सीसी क्या मतलब, इसकी कावन कॉपी मुझे किसी और को भेजनी है तो वो भी कर सकता हूँ, तो मैंने वो भी क्लिक करा, मैंने यहाँ से करा, वैसे मैं यहाँ सीसी को छोड़ देता हूँ, या मैं क्लिक कर सकता हूँ मोहम्मद वाहिद को, और मैं सब्जेक्ट ऐड कर लेता हूँ, ये नॉर्मल ईमेल कंपोज कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि पास एग्जाम्स ठीक है। और मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ लिखना चाहता हूँ, इस वजह डियर स्टूडेंट्स लास्ट डेट ऑफ मैं लिख देता हूँ यहाँ पे लास्ट डेट ऑफ असाइनमेंट, और इसको मैं कर देता हूँ 24th जुलाई। मैंने एक स्टूडेंट्स को मैसेज कर रहा हूँ और मैंने कहा असाइनमेंट्स जो सबमिशन है वो 24 जुलाई तक करनी है। इसके अलावा मैं जो भी कंपोजिंग करना चाहता हूँ, राइटिंग वाइटिंग, वो सब कुछ यहाँ पे आ रही है, हम इस पर नहीं जा रहे इस वक्त। पिक्चर इंसर्ट करना चाह रहे हैं, मोशंस और अटैच, हम नॉर्मली ईमेल के अंदर अटैच कर रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं, अटैच कर रहे होते हैं। तो मैंने ब्रॉस फ्रॉम दिस कंप्यूटर करा, या क्लाउड, कितनी अच्छी चीज है कि क्लाउड से, क्लाउड में वन, क्लाउड का मतलब कि वन ड्राइव पे पड़ी हुई चीजें या आपके कंप्यूटर पे पड़ी हुई है। और एक अच्छी चीज है, सजेशन भी आ रहा है, जो लास्ट काम आपने करा होगा फाइल के ऊपर उसकी सजेशन भी आ रही है, ये कितनी जबरदस्त फीचर है। तो मैंने कहा कि मैं क्लिक करता हूँ ब्रॉस फ्रॉम कंप्यूटर ठीक है, मैंने क्लिक करा इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर, ओके मैं दिस एंड कॉन्टेंट एंड नाउ ओपन, एक फाइल अटैच कर ली। जैसे आपका मसला आ रहा था कि बिगनर वाले के, बिगनर की ओरिजिन का सवाल आया कि मुझे ईमेल नहीं करना आ रही थी, अटैचमेंट कैसे करते, तो दिस इज अ स्टेप फॉर अटैचमेंट ठीक है। तो आप अटैच करेंगे, किसी को भी भेज सकते हैं। तो मैंने इसको कर दिया सेंट। ये ऑफिस 65 के यूजर्स को भी किया और गेस्ट यूजर्स को भी किया है, आप किसी भी गेस्ट यूजर को भी कर सकते हैं और ऑफिस 65 के टेनेंट अकाउंट के यूजर को भी कर सकते हैं। और एक और चीज आप कर सकते हैं, वो ग्रुप को भी ईमेल कर सकते हैं ठीक है। ग्रुप को ईमेल करने के लिए आप सिंपल न्यू मैसेज पे गए ठीक है, आपने टू में ग्रुप का नाम डाला ठीक है, तो मैंने लिखा मॉस एग्जाम्स, ग्रुप था याद है। अब वो ग्रुप के अंदर जितने भी लोग होंगे सबको ईमेल चले आएगी, सही है। तो मैं सिंपल क्लिक करके यहाँ पे सब्जेक्ट में डाल देंगे रिमाइंडर, टाइम सेविंग करने के लिए मैं इसे सब्जेक्ट डाल रहा हूँ और जस्ट क्लिक कर दूंगा सेंड, क्लियर है। तो हाउ सिंपल इट इज,
वैसे तो बिल्कुल एक दो मिनट की बात है कि ईमेल कैसे करते हैं, इस ईमेल की बात नहीं है, हमें पता होना चाहिए कि भाई आउटलुक है क्या। आउटलुक ईमेल मैनेजमेंट सिस्टम था, हमने थोड़ा सा डेस्कटॉप पे जाके देखा कि डेस्कटॉप के वर्जन के ऊपर क्या क्या ऑप्शंस होते हैं हमारे पास। फिर सेकेंडली हमें जो करना था वो क्या करना था, ऑफिस 65 का आउटलुक ऑनलाइन देखना था कि ऑनलाइन कैसे काम करता है। ऑनलाइन के अंदर हम ऑर्गेनाइजेशन जो अलशफीक के ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट बनावे, उस अकाउंट के लोगों को ईमेल करना, उससे बाहर के लोगों को गेस्ट यूजर पे करना या किसी ग्रुप को ईमेल करना, वही तमाम काम जो है ना वो आप कर सकते हैं। क्लियर है? तो दिस एंड द सेशन ऑफ आवर आउटलुक ऑनलाइन।